सिद्धराज मैथमेटिक्स की स्पेशल वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम लीनियर अलजेब्रा की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करेंगे। कैसे हम इस पर इम्पॉर्टेंट थ्योरम को शो कर पाएंगे, प्रूफ कर पाएंगे। देखना, इसका नाम है डायमेंशन ऑफ लीनियर सम। डायमेंशन ऑफ लीनियर सम क्या बोलती है ये थ्योरम? इफ़ W1 एंड W2 आर द टू सबस्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस V ओवर F, देन हमें प्रूफ करना है ये वाली प्रॉपर पूरी की पूरी टर्म कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन माइनस डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ W1 एंड W2 W1 एंड W2। मुझे इसके बारे में बात करनी है, ठीक है। तो अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। अब मैं छोटी छोटी बातें लेट करने वाला हूँ। एक बार देखना, लेट कर लूँ अगर मैं डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 की वैल्यू L है, इसका मतलब एक मेरे पास सेट S हो रहा होगा जिसमें मेरे पास U1, U2 से लेके UL तक का सारी टर्म आ रही होंगी। UL वाले डायमेंशन है, L एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब ये क्या हो रहे होंगे इज द बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेस इज अगेन एंड सबस्पेस। ये मैंने आप लोगों को थ्योरम जो है प्रूफ मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है ना। तो वो सबस्पेस है तो बेसिस तो होंगे ही होंगे, उसमें बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है जी। डन, ये कहानी मैंने ले ली। नेक्स्ट स्टेप में अब इसका मतलब ये एस W1 के पास भी होगा, ये एस W2 के पास भी होगा, ठीक है ना। डन, इसका मतलब S इज़ अ सबस्पेस ऑफ W1, S इज़ अ सबस्पेस ऑफ W1 एंड S जो है वो मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और उसके बाद एक्सटेंशन थ्योरम हमें क्या बोलती है कि अगर मेरे पास एक सबसेट है S और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है और वो बेसिस का काम कर रहा है तो मैं उसे एक्सटेंड कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ लिख लूँ, सो इट कैन बी एक्सटेंडेड to form a basis of W1, ठीक है। मैंने क्या करा यहाँ पर W1 के बेसिस के लिए फॉर्म कर लिया। बेसिस के लिए फॉर्म करूँगा तो मेरे पास एक नया सेट आ रहा होगा, दैट इज ए सेट, जिसमें मेरे पास है U1, U2 से लेके UL एलिमेंट, तो वही वाली टर्म है लेकिन उसके अंदर है V1, V2 से लेके VM एलिमेंट्स हैं, VM एलिमेंट्स है जो मेरे पास, जिसको मैं बोल दूंगा बेसिस ऑफ W1। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ W1 वो कितनी हो गई है, दैट इज़ L एलिमेंट, दैट इज़ M एलिमेंट, L प्लस M उसकी डायमेंशन हो गई है, दैट इज़ इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। डन, यहाँ तक बात आप लोगों को समझ आ गई अच्छे से मैं क्या कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सिमिलरली मैं यहाँ पर ये बात बोल सकता हूँ S इज़ अ सबसेट ऑफ W2, S इज़ द सबसेट ऑफ W2। अगर वो W2 का सबसेट है तो इसका मतलब, और S क्या है मेरे पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सो इट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म द बेसिस ऑफ W2। W2 का बेसिस बनाने के लिए वो टर्म बन पाएगी। अगर वो W2 का बेसिस बन जाता है तो इसका मतलब स्टूडेंट्स डायमेंशन ऑफ W2 क्या हो रही होगी, वो L+N हो रही होगी। डायमेंशन ऑफ W2 क्या हो रही होगी, वो L+M हो रही होगी। यहाँ तक बात समझ आ गई आप लोगों को पक्का अच्छे से। ये वीडियो रिकॉर्ड वाली है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को लाइव की तरह ही पढ़ा रहा हूँ, इसमें लाइव में स्लो बात मैं करता हूँ, ठीक है। ये टर्म आ गई। सिमिलरली अगर मैं इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करना चाहूँ तो ये देखना, डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है थ्योरम की। तो डायमेंशन ऑफ W1 की डायमेंशन कितनी है, दैट इज L+M, दूसरे की कितनी आप लोग L+N है, तो इसका मतलब टर्म कितनी होगी आप लोगों के पास, और माइनस डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन वो है L, तो ये मेरे पास टोटल टर्म बन गई कि डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W2 माइनस
डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू वो टर्म बन रही है आप लोगों के पास, ये टर्म इससे कैंसिल हो गई, एल प्लस एम प्लस एन, ये मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर थ्री। अब मेरे पास इम्पॉर्टेंट इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर थ्री। अब इसके बारे में बात करते हैं, नाउ अब हमने शो क्या करना है, टू शो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू वो क्या हो जाए, एल प्लस एम प्लस एन हो जाए, ये मुझे शो करना है। टू शो डायमेंशन ऑफ एल प्लस एम प्लस एन, एल प्लस एम प्लस एन हो जाए, डायमेंशन उसकी दोनों की इक्वल हो जाए। नाउ अब इनके ऊपर बात कर लेते हैं। नाउ मैं एक सेट एस वन लेट कर लेता हूँ जिसमें मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, देखना यही एलिमेंट्स हो जाएंगे, कौन कौन से, यू वन यू टू से लेके यू एल नंबर तक, कॉमा वी वन वी टू से लेके वी एम नंबर तक, कॉमा डब्ल्यू वन से लेके डब्ल्यू एन नंबर तक, ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। बस अब मुझे कुछ नहीं दिखाना, मुझे इसको क्या दिखाना, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए और ये स्पैनिंग सेट हो जाए तो इसका मतलब वो बेसिस बन जाएगा, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट और ये स्पैनिंग सेट हो जाए तो इसका मतलब वो बेसिस बन जाएगा। मैं कुछ नहीं करता, इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करता हूँ। नाउ वी क्लेम एस वन इज इक्वल टू लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट करने के लिए मुझे इसका स्पैनिंग वो लीनियर कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, देखना यहाँ पर, दैट इज ए वन यू वन ए टू यू टू ए थ्री यू थ्री अप टू सो ऑन ए एल यू एल, ठीक होगी बात यहाँ तक। सिमिलरली बी वन बी टू अप टू सो ऑन दैट इज बी एम वी एम प्लस सी वन डब्ल्यू वन प्लस सी टू डब्ल्यू टू अप टू सो ऑन सी एन डब्ल्यू एन इज इक्वल टू जीरो। बस अब क्लेम क्या करना है, ऑल द स्केलर्स आर द जीरो मैंने उसमें लिख दिया। देखो पहले वाले टर्म को मैंने ए से लिखा है, पहले मैंने ए से लिखा है, फिर बी से लिखा है, फिर सी के साथ उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पेज पर आगे इस पर आगे प्रोसीड करता हूँ। डन, समझ आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्वांटिटी, नेक्स्ट पेज पर अब हम क्या बात करेंगे, यहाँ पर देखना, नेक्स्ट पेज पर अगर मैं जो मैंने पीछे लिखी थी सी वन वाली टर्म्स पीछे लिखी थी ना, मैं उनको एक तरफ रखता हूँ, बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ ले जाता हूँ। इम्प्लाई सी वन डब्ल्यू वन सी टू डब्ल्यू टू अप टू सो ऑन सी एन डब्ल्यू एन, ये वाला नंबर इज इक्वल टू माइनस ए टाइम्स, इसको आगे बढ़ा लेते हैं, माइनस ए वन यू वन प्लस ए टू यू टू अप टू सो ऑन ए एल यू एल के टर्म में है, फिर है बी वन वी वन अप टू सो ऑन बी एम वी एम के टर्म में है। ये मेरा यहाँ तक बात समझ आ गई, मैंने क्या करा है ये वाली टर्म समझ आ गई। नेक्स्ट स्टेप में इसका मतलब टर्म क्या हो गई है कि ये सारा का सारा एलिमेंट अब ये किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया, यू और वी के। अब यू और वी में कितने एलिमेंट्स थे, दैट इज डब्ल्यू टू में थे ना वो वाले एलिमेंट्स, तो डब्ल्यू टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू, डब्ल्यू टू में कौन कौन से एलिमेंट्स थे, दैट इज डब्ल्यू टू में एलिमेंट्स हैं एल और एम, एल और एन टाइप के, तो मैंने उसको भी तो लिखा हुआ है ना, देखना पहले मैंने इनको एल नंबर्स में लिखा, फिर एन नंबर्स में लिखा, फिर एम नंबर्स में लिखा, ठीक है। सॉरी, ये डब्ल्यू वन का एलिमेंट्स बन जाएगा, इसका मतलब ये वाली टर्म जो बन रही है दैट इज सी वन डब्ल्यू वन सी टू डब्ल्यू टू सी एन डब्ल्यू एन, ये बिलोंग करेगा डब्ल्यू वन में, क्योंकि डब्ल्यू वन ही जो मेरी डायमेंशन है, डब्ल्यू वन में ही मेरे पास एल और एम टाइप के एलिमेंट्स पड़े हैं, एल और एम टाइप के एलिमेंट्स पड़े हैं, ठीक है। सिमिलरली अब मैं इसको यहाँ से घुमा देता हूँ, अब मैंने इसको यहाँ से ये वाली टर्म यहाँ लिख ली, ठीक है। नाउ मैं इसको यहाँ ये वाली टर्म लिख लूँ, देखना एक बार, सी वन डब्ल्यू वन प्लस सी टू डब्ल्यू टू माइनस सी एम डब्ल्यू एम को मैं ये लिख लूँ, ज़ीरो यू वन ज़ीरो यू टू अप टू सो ऑन ज़ीरो यू वन प्लस सी वन डब्ल्यू वन प्लस सी वन डब्ल्यू वन प्लस सी टू डब्ल्यू टू अप टू सो ऑन सी एन डब्ल्यू एन।
अप टू सो ऑन सी एन डब्ल्यू एन। तो मैंने अब क्या करा, ये वाली टर्म एल और एन के टर्म में, ये एन है यहाँ पर, ये भी एन है, ये भी एन है, ये एन है, इसका मतलब मैंने C1 W1 ये इम्प्लाई क्या कर गया, C1 W1 C2 W2 अप टू सो ऑन CN W N ये बिलोंग कर गया W2 में, ये बिलोंग कर गया W2 में, यही एलिमेंट बिलोंग कर गया W1 में, यही एलिमेंट बिलोंग कर गया W1 में। तो फ्रॉम अबव टू C1 W1 C2 W2 CN W N ये बिलोंग कर जाएगा W1 इंटरसेक्शन W2 में। दो एलिमेंट सेम होते हैं तो उनके इंटरसेक्शन में भी चला जाती है कहानी, वो उनके इंटरसेक्शन में भी चली जाती है। ये कहानी हमने अच्छे से लिख ली। अब इंटरसेक्शन में तो मेरे पास L एलिमेंट्स हैं जो इस तरह के दिखते हैं, इंटरसेक्शन में तो L एलिमेंट्स हैं इस तरह से दिखते हैं। अगर कोई एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब मैं ये बात बोल दूँ कि C1 W1 से लेके CN W N वाली पूरी इक्वेशन कैन बी रिटन एज द सम ऑफ द किसमें कैन बी रिटन एज या एक्सप्रेस एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। दिस इम्प्लाइज मेट मीन C1 W1 C2 W2 अप टू सो ऑन CN W N CN W N इज इक्वल टू D1 U1 D2 U2 अप टू सो ऑन D1 U DL और UL के टर्म में मैंने उसे लिख लिया, DL और UL के टर्म में मैंने उसे लिख लिया। ठीक है, इक्वेशंस कितनी हो गई थी, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 2 3, ये इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 5 और ये वाली इक्वेशन नंबर 6, ये वाली इक्वेशन नंबर 6। ठीक है जी, डन, पक्का मैंने उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। अब मैं इस वाली टर्म को, इसको इधर ले आता हूँ, देखना एक बार, मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो मेरे पास टर्म कितनी बन रही है, C1 W1 C2 W2 C3 W3 अप टू सो ऑन CN W N माइनस D1 U1 D2 U2 अप टू सो ऑन, आप लोगों के पास है DL UL विद नेगेटिव साइन इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। अब ये मैंने किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, दैट इज एन और एल के। एन और एल किसके पास है, एन और एल इसके पास है, W2 के पास है, और ये मेरे पास क्या है, बेसिस हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो सारे स्केलर जीरो हैं। तो इम्प्लाई क्या हो गया, दैट इज C1 इज इक्वल टू जीरो, C2 इज इक्वल टू जीरो अप टू सो ऑन CN इज इक्वल टू जीरो, सिमिलरली D1 इज इक्वल टू जीरो, D2 इज इक्वल टू जीरो अप टू सो ऑन DL इज इक्वल टू जीरो, ये पूरी कहानी जीरो हो गई। ठीक होगी बात। अब मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, मैं बोल दूँ पुट C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 अप टू सो ऑन CN इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में मुझे डालनी है जिसमें मुझे C1 और C2 की वैल्यू जीरो मिल जाए, जो मैंने बड़ी इक्वेशन लिखी थी, कौन सी बड़ी इक्वेशन थी, दैट इज़ ये वाली। ठीक है, इसको इक्वेशन तो दिया ही नहीं हमने, ये कितनी हो गई है 6, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 7, इक्वेशन नंबर 7, तो मैं बोल दूंगा इन इक्वेशन नंबर 7। जैसे ही मैं 7 इक्वेशन में दूंगा तो देखना यहाँ से कंपेयर, देखना कि मैंने क्या करा, C1 C2 की वैल्यू जीरो हो गई, तो मैं ये लिखूंगा यहाँ से कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 मेरे पास A1 U1 A2 U2 अप टू सो ऑन AL और UL प्लस मेरे पास यहाँ से कितना रह जाएगा B1 V1 प्लस B2 V2 अप टू सो ऑन BM और VM रह जाएगा, वो वाली टर्म इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी। और ये किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है, दैट इज़ पहले है मेरे पास यहाँ पर, यहाँ L है मेरे पास, पहले L नंबर है फिर M नंबर है। L और M किसके पास थे, दैट इज़ W1 के पास थे, W1 के पास थे, तो ये बेसिस हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट है, स्पैनिंग सेट भी हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं। तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन वी कैन से दैट दैट
द अबव इक्वेशन अबव इक्वेशन इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक होगी बात। अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब स्टूडेंट्स A1 इज इक्वल टू जीरो मिल रहा होगा, A2 इज इक्वल टू जीरो मिल रहा होगा, EL इज इक्वल टू जीरो मिल रहा होगा, सिमिलरली B1 इज इक्वल टू जीरो मिल रहा होगा, B2 इज इक्वल टू जीरो मिल रहा होगा, BM इज इक्वल टू जीरो मिल रहा होगा, BM इज इक्वल टू जीरो मिल रहा होगा। यहाँ तक बात समझ आ गई अच्छे से, बिल्कुल ये वाली टर्म मेरे पास बन गई A1 BM, ये सारी टर्म जीरो हो गई। इसका मतलब टर्म क्या होगी, नाउ वी गेट ऑल द स्केलर AIs, BIs और CIs सब जीरो मिल गए हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट तो हो गया। दिस इम्प्लाइज इक्वेशन सेवन इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। नाउ अब मुझे स्पैनिंग सेट शो करना है। दूसरा क्लेम क्या है, L ऑफ S1 लिया था मैंने, कौन सी टर्म ली थी यहाँ पर, S1 एलिमेंट्स लिया था ना, हाँ, L ऑफ S1 इज इक्वल टू W1 प्लस W2, कि वो दोनों लीनियर स्पैन के इक्वल आ जाए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ से एक एलिमेंट लूँगा, इसमें दिखा दूँगा, अब मैं इसका एलिमेंट लूँगा और इसमें दिखा दूँगा, ठीक है, डन। नाउ लेट कर लिया कि मेरे पास एक स्मॉल यू है जो लीनियर स्पैन ऑफ S1 से लेट कर रहे, लीनियर स्पैन ऑफ S1 से चल रहा है। नाउ इसका मतलब U को मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ S1, मैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। अब ये इस लीनियर कॉम्बिनेशन को मैं अगले पेज पर लिखता हूँ, ठीक है, डन। मैंने लास्ट पेज पर स्टूडेंट्स क्या बताया कि मेरे पास यहाँ पर यू बिलोंग कर रहा है L ऑफ S1 से, इसका मतलब यू को मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S1 से लिख सकता हूँ, और S1 में कितने एलिमेंट्स हैं, कहाँ गया S1, वो मेरा ये वाली टर्म है जिसमें मेरे पास L, M और N एलिमेंट्स हैं। मैं इसको थोड़ा सा आगे लिखता हूँ, इसको यहाँ रखता हूँ, ठीक है, ये वाली टर्म नज़र आ रही है, मैंने इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो U इज इक्वल टू A1 U1 A2 U2 अप टू सो ऑन EL EL UL प्लस B1 V1 प्लस B2 V2 अप टू सो ऑन BM VM प्लस C1 W1 C2 W2 अप टू सो ऑन CN WN, ये वाली कहानी है CN WN, ये कहानी आ रही है। अब आगे बारे में बात करते हैं, ये टर्म मुझे मिल गई है। नेक्स्ट स्टेप में बेटा मैं इसको ये लिख सकता हूँ, मैं इसके बीच में ना 0 0 वाली टर्म डालने वाला हूँ, कैसे देखना, पहली ब्रैकेट दैट इज A1, अब तो इसको मैं हाइड कर लेता हूँ और पेजेस को इकट्ठा कर लेता हूँ। मेरे पास ये कहानी है दैट इज A1 U1 A2 U2 अप टू सो ऑन AL UL EL UL, यहाँ वाली टर्म आ गई है, प्लस B1 V1 B2 V2 BM VM, ये वाली टर्म ब्रैकेट डाल दी, प्लस अब मैं इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में ये लिख लूँ दैट इज 0 into U1 0 into U2 0 into UL, ये टर्म ठीक है, प्लस अब मैं लास्ट वाले C1 डाल देता हूँ, C1 W1 से लेके CN WN, ये कहानी आ गई, ये वाली कहानी आ गई। अब नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, दैट इज़ U इज़ इक्वल टू, ये किसके एलिमेंट्स हैं, ये मेरे पास W1 के एलिमेंट्स हैं, ये किसके एलिमेंट्स हैं, ये मेरे पास W2 के एलिमेंट्स हैं, W2 के एलिमेंट्स हैं, इसको मैं W2 ना बोलते हुए इसको मैं A बोल दूँ और इसे B सेट बोल दूँ, तो इसका मतलब ये क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट A प्लस द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट B, जिसे मैंने X और Y से रिप्रेजेंट कर लिया, तो U इज इक्वल टू X प्लस Y हो गया, वेयर X बिलोंग कर रहा है W1 से एंड Y बिलोंग कर रहा है W
टू से, वाई बिलोंग करे डब्ल्यू टू से, इसका मतलब यू जो है वो कहाँ चला गया, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू में चला गया, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू में चला गया। मैंने एल एस से लिया था और वो कंटेन कर गया डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू में, एल एस में लिया था और वो चला गया डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू में, दैट इज़ इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ नाउ अब मैं यू को डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू में लिखूंगा और उनको लीनियर स्पैन में बता दूंगा, ठीक है। ज़्यादा मुझे उसमें कुछ खुराफात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ये लिखूंगा दैट इज़ यू इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, वेयर वेयर अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू वन से और बीटा बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू टू से, अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू वन से, बीटा बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू टू से, ठीक है, डन। समझ आ गई बात, पक्की बात है। फिर से मैं इसको उल्टा लिखूंगा, यू को मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखूंगा किसके, यू यू एंड वी वीज के टर्म में, यू और वीज के टर्म में, काट के दोबारा से, यू जो बिलोंग कर रहा है उसको मैं लिखूंगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ किसके टर्म में, दैट इज़ यू और वीज के टर्म में, जिसे मैं लिखूंगा यूज प्लस वीज, ठीक है, यूज प्लस वीज ऑफ ई, ऑफ ए पहली टर्म लिख ली, प्लस फिर से मैं यहाँ लिखूंगा दैट इज़ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यूज प्लस डब्ल्यूज ऑफ बी, मैंने बी और उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में मैं लिख पाऊँगा, ठीक है। और यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू ये कौन से एलिमेंट के हैं, यू को मैंने किसके इक्वल लिख दिया, दैट इज़ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द यूज वीज एंड डब्ल्यूज ऑफ सेट एस वन। इसका मतलब ये जो U है ये बिलोंग कर रहा है आप लोगों का, ये बिलोंग कर रहा है लीनियर स्पैन ऑफ एस वन में, लीनियर स्पैन ऑफ एस वन में, ये इम्प्लाई कर देगा कि W1 वन प्लस डब्ल्यू टू कंटेन इन लीनियर स्पैन ऑफ एस वन, लीनियर स्पैन ऑफ एस वन, दैट इज इक्वेशन नंबर 9। अब मैं यहीं पर लिख देता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर एट एंड इक्वेशन नंबर 9, वी गेट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 इक्वेशन नंबर 9 डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू इज इक्वल टू लीनियर स्पैन, ये मेरी इक्वेशन नंबर 10 हो गई, इक्वेशन नंबर 10 हो गई। सिमिलरली देखो कितनी बड़ी थ्योरम थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ अब मेरे को थ्योरम के ऊपर कोई बात नहीं करनी है। सिमिलरली नाउ वी कैन से दैट द फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7, जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 7 थी जो लीनियरली इंडिपेंडेंट बता रही थी और ये मेरे पास स्पैनिंग बता रही थी, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है स्पैनिंग भी है, दिस इम्प्लाइज एस वन इज़ द बेसिस ऑफ किसकी बेसिस है, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू की, दिस इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू वो क्या हो जाएगी आप लोगों के पास, एल प्लस एम प्लस एन, एन प्लस एम प्लस एन, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 और इसे मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 11, तो मैं बोल दूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर, ये मेरी 11 है, 11 एंड इक्वेशन नंबर 3, वी गेट दैट इज डायमेंशन ऑफ, रेड पेन से लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू टू माइनस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू, हेंस प्रूफ, ठीक है। आई होप आप लोगों को थ्योरम समझ आ गई होगी, थ्योरम समझ आ गई होगी, थ्योरम के दर्शन करवा देता हूँ। पहले मैंने ये पूरा टॉपिक ऐसे लिखा, फिर पेज चेंज करा, फिर ये लिखा, फिर पेज चेंज करा, फिर ये लिखा आप लोगों के सामने, फिर ये लिखा, हमें हमारा आंसर मिल गया, ठीक है, डन। यहाँ तक के लिए आज का कंसेप्ट जो था इतना ही था, मैंने आप लोगों को सारा बता दिया है, वो लाइव में चलता है। थ्योरम के लिए मुझे आप लोगों को HD प्रिंट देना था जो और अच्छे से आ पाता, मैंने आप लोगों को इतना ही, थ्योरम आप लोग अच्छे से करना, डायमेंशन ऑफ लीनियर सम।
ठीक है। बाकी आप लोग बेल आइकन को तो दबा ही दें, क्योंकि लाइव सेशन हमारे बहुत अच्छे से बच्चों को पसंद आ रहे हैं। आप लोग भी अच्छे से करें, समझते रहें और सीखते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।